Good morning, students. Welcome. Today we are going to start lesson number 5, the helpful girl. एक लड़की जो सबको मदद करती है, ऐसे एक लड़की के बारे में यहाँ पे लिखा गया है. Read and discuss. Once there lived a girl, Rima. She was very very helpful. यहाँ पे किस लड़की के बारे में बताया जा रहा है? रीमा नाम की एक लड़की है, उसके बारे में बताया जा रहा है. वो बहुत ही हेल्पफुल है, यानी हर एक को वो मदद करती है. When she went to school, she helped everyone in the class. जब वो स्कूल जाती है तब वो क्या, अपने क्लास में जितने भी दोस्त है उसको कोई भी मदद लगेगी, ज़रूरत पड़ेगी तो उसको वो मदद करती है. When she come back home, she helped her mother and father. जब वो घर वापस लौट आती है तो अपने घर के काम में माँ का हाथ बटाती है और पापा का भी हाथ बटाती है. When she went to the playground, she picked up small stones and thorns. When she went for a picnic, she took care of her friends. यानी जब वो खेलने जाती है तो कोई भी ऐसे कंकर पत्थर जो छोटे छोटे होते हैं, कभी कभी पैर में लग जाते हैं, चोट लग जाते, तो उन पत्थर को बीच में से रास्ते से हटाती है. अगर कहीं पे कांटे पड़े हो तो वो हटाती है ताकि किसी को चोट ना पहुँचे. और जब वो पिकनिक जाती है तो अपने दोस्तों का भी ध्यान रखती है. When she went to a shop, she selected things carefully. जब वो शॉप में जाते, कुछ खरीदने के लिए दुकान जाती है, तब चीज़ें बड़ी संभाल के वो चुनती है या लेके आती है. She made greeting cards for her friends and gave them on their birthdays. She was the best girl in our school. किसी बच्चे का दोस्तों का कोई बर्थडे होगा तो अपने हाथों से ग्रीटिंग कार्ड उनके लिए बनाती है और उन्हें देती है. She was the best girl in our school. यानी बताया जा रहा है कि वो सबसे बहुत अच्छी लड़की है स्कूल में. तो ये एक लड़की के बारे में है. Our name is called as रीमा. क्या है? रीमा बहुत ही हेल्पफुल लड़की है, हर एक को मदद करती है. सी इन द पिक्चर यू कैन सी मिल्क पिलाया जा रहा है इसको, कैट को. जब स्कूल जाती है तो स्कूल के दोस्त जो होते हैं, क्लासमेट्स जो होते हैं, उनको भी मदद करते हैं. स्टडीज़ में मदद करती है, होमवर्क्स वगैरह समझाने में वगैरह मदद करती है. और जब लौट के घर आती है तो माँ का और पिताजी का भी हाथ बटाती है. जब खेलने बाहर जाती है, कुछ भी रास्ते में स्टोन्स हो, थॉर्न्स हो, कांटे वगैरह हो तो निकाल देगी ताकि किसी को चोट ना पहुँचे. और पिकनिक में जाते वक्त वो अपने दोस्तों का भी ध्यान रखती है. वो बहुत ही हेल्पफुल लड़की है. जब दुकान में जाती है तो चीज़ें बड़ी सोच समझ के अच्छी वाले चुन के लेके आती है और अपने दोस्तों के लिए, उनके जन्मदिन के लिए अच्छे ग्रीटिंग कार्ड्स बना के, अपने हाथों से बना के उनको देती है और विश करती है. तो ये है एक लड़की की कहानी, द हेल्पफुल गर्ल. अभी हम सी राइट द एक्शन दैट रीमा डिड. यहाँ पे आपको लिखना है कि रीमा क्या क्या एक्शन करती है. अनदर लेसन इज द वर्ड हाउस. यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए. सी यू कैन सी हियर देयर आर सम ऑफ द वर्ड्स गिवन हियर फ्रॉम हियर टू हियर. और उनको हमें क्या करना है, डू सेलेक्ट करके उसके अपने अपने ग्रुप में डालना है, लिखना है. रीड एंड राइट डाउन द रिलेटेड वर्ड्स इन द ब्लैंक्स. यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिए हैं वहाँ पे अपने को फील करना है, यहाँ से जो वर्ड्स दिए गए यहाँ पे. अभी होम में क्या क्या हो सकता है. होम में माँ होती है, पापा होते हैं, घर के अंदर कबर्ड होता है, टीवी होता है. ओके, ये सब चीज़ें होती है. फिर नंबर्स, यहाँ पे कितने नंबर्स मेंशन किए गए हैं वो नंबर्स हमें वहाँ पे लिखना है. जैसे 4 है, फर्स्ट है, 3 है, ओ एनी 1 है, ये सारे नंबर्स से जो है वो भी हमें उसमें लिखने हैं. नाउ बॉडी पार्ट्स. अभी बॉडी पार्ट्स इसमें क्या क्या मेंशन किया गया है. फुट है. ओके, देन यू कैन सी इन दिस एनीथिंग स्टमक, पेट के. यहाँ पे नी है. और कुछ है बॉडी पार्ट्स? नो. ये हाइज है, शोल्डर्स है, ये बॉडी पार्ट्स है. एल्बो है, रिस्ट है, हेड है, ये क्या है, बॉडी पार्ट्स है. तो ये बॉडी पार्ट्स के कॉलम में आपको इन सब चीज़ों को लिखना है. क्लोथ्स यहाँ पे फाइंड आउट करना है. ये रेनकोट भी है, कोट है,
वॉट एल्स, शर्ट है, स्कार्फ है, साड़ी है, सॉक्स, ड्रेस। तो ऐसे हमें चार्ट के यहाँ पे इसको अरेंज करना है उसने अपने अपने कॉलम में। ओके, सो ये आर सम ऑफ द वर्ड्स गिवन दैट यू हैव टू सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड पुट इट इन द अप्रोप्रिएट कॉलम। अपने अपने कॉलम में उसे डालना है, यहाँ से सारे वर्ड्स निकाल के चुन के। ओके, आई होप यू कैन डू इट, यू आर स्मार्ट एनफ टू डू ऑल दिस थिंग्स। आपको पता है बॉडी पार्ट्स क्या क्या होती है, फिर घर के अंदर चीज़ें क्या क्या हो सकती है, टीवी है, कबोर्ड है, मम्मी होते, पापा होते, किचन है, और भी काफ़ी सारे चीज़ यहाँ पे मेंशन किए हो गए होंगे, उसको ढूंढ के हमें लिखना है। ओम के कैटेगरी में नंबर्स रहेंगे तो नंबर्स की कैटेगरी में, बॉडी पार्ट्स रहेंगे तो उसके इसमें कॉलम में, और क्लोथ्स रहेंगे तो उसके। ओके, तो ये है आपका वर्ड हाउस, एंड वी हैव फिनिश दिस लेसन। बाय, सी यू एंड मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय, सी यू।